चिंडोनियम होम्योपैथिक दवा कौन कौन सी बीमारी में काम करता है, रोगी में किस तरह का लक्षण दिखाई दे तो यह दवा का प्रयोग करना चाहिए, तो दोस्तों आज सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन जीके में। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप मैसेज करें। दोस्तों यह लीवर की बहुत ही बढ़िया दवा है। हेपेटाइटिस बी हो गया है, लीवर में सूजन हो गया है, जोंडिस या पीलिया रोग हो गया है, तो दोस्तों आप चिल्डोनियम दवा का प्रयोग करें। लीवर में किसी भी तरह की परेशानी आ गई है, कोई भी तकलीफ हो गया है, किसी भी तरह का रोग लीवर में उत्पन्न हो गया है, दोस्तों आप चिल्डोनियम दवा का प्रयोग करें। चिल्डोनियम क्यू दवा को 10 बूंद 3 बार आधे कप पानी में रखकर पीने के लिए बहुत जल्दी ठीक हो। शरीर का त्वचा पीला हो गया है, मुंह पीला हो गया है, आँख पीला हो गया है, पेशाब पीला होता है, तो दोस्तों आप चिल्डोनियम दवा का प्रयोग करें। चिल्डोनियम क्यू दवा को 10 बूंद 3 बार आधे कप पानी में रखकर पीने के लिए बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर बच्चे हैं तो कम दवा का प्रयोग करें, जिस एज के बच्चे हैं उस अनुसार इस दवा का प्रयोग करें। चिल्डोनियम की रोगी कॉफ़ी, दूध, गर्म दूध और खट्टी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। रोगी गर्म चीज़ें खाना पसंद करता है। सुबह 4 बजे और दोपहर के 2 से 3 बजे तकलीफें बढ़ जाती हैं। खाना खाने के बाद तकलीफें कम हो जाता है। किसी भी बीमारी में मुंह का स्वाद तीता हो गया है, जीभ के बीच में गाढ़े मैल बैठा हो और उसका किनारा लाल है, तो दोस्तों आप चिल्डोनियम दवा का प्रयोग करें। चिल्डोनियम क्यू दवा को 10 बूंद 3 बार आधे कप पानी में रखकर पीने के लिए दे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कब्ज में मल बकरी के मल जैसा गोल गोल होता है, तो दोस्तों आप चिल्डोनियम दवा का प्रयोग करें। चिल्डोनियम क्यू दवा को 10 बूंद 3 बार आधे कप पानी में रखकर पीने के लिए दे बहुत जल्दी कब्ज ठीक हो जाएगा। जब बकरी के मल जैसा गोल गोल मल होता है तो दोस्तों आप चिल्डोनियम दवा का प्रयोग करें। चिल्डोनियम में लगभग सभी बीमारी शरीर के दाहिने तरफ होते हैं। चिल्डोनियम में दर्द हमेशा नहीं होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत जोर से होता है। चिल्डोनियम में दर्द हमेशा नहीं होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत जोर से होता है। सिर दर्द के समय आँख से आंसू बहता है। खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए दर्द कम हो जाता है और फिर से शुरू होने लगता है, तो दोस्तों आप चिल्डोनियम 30 दवा का प्रयोग करें। चिल्डोनियम 30 दवा को 2-2 घंटा पर पीने के लिए सिर दर्द बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। दाहिने कंधे में दर्द होता है और दर्द तीर की तरह नीचे की तरह पेट तक फैल जाता है, तो दोस्तों आप चिल्डोनियम दवा का प्रयोग करें। चिल्डोनियम 200 दवा को 2-2 बूंद सुबह शाम पीने के लिए दर्द बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। पेट दर्द, पेट में दर्द होता है लेकिन कुछ खाने के बाद पेट दर्द थोड़े देर के लिए आराम हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है। पेट में दर्द हो रहा है लेकिन आप जब खाना खा लीजिएगा तो थोड़े देर के लिए पेट में दर्द आराम हो जाएगा, लेकिन फिर से चालू हो जाएगा। तो दोस्तों यह लक्षण दिखाई दे तो आप चिल्डोनियम दवा का प्रयोग करें। चिल्डोनियम क्यू दवा को 10 बूंद 3 बार आधे कप पानी में रखकर पीने के लिए दे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जब पेट में दर्द हो रहा है और दर्द खाने के बाद, खाना खाने की वजह से दर्द में आराम मिलता है, तो दोस्तों आप चिल्डोनियम दवा का प्रयोग करें। तो दोस्तों यह थे कुछ खास लक्षण चिल्डोनियम दवा के। तो दोस्तों यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया था। वीडियो अच्छा लगा और जानकारी अच्छी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी आपको हमेशा मिलता रहेगा।